आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आशा करते हैं कि आप सभी सही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, तो आज की जो प्लेइंग इलेवन बनाने वाले हैं ड्रीम इलेवन के लिए, वो बहुत ही शानदार प्लेइंग इलेवन बनने वाली है और विनिंग्स प्लेइंग इलेवन बनेगी। और टारगेट एक ही टारगेट है कि आपके लिए ड्रीम इलेवन में हम पैसे विनिंग करवाएं और फर्स्ट रैंक लगाना। मेरा T20 वर्ल्ड कप का सपना है और कि जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं वो ड्रीम इलेवन से इस T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट रैंक लगाकर पैसे जीते और उनका पूरा सपना हो। दोस्तों, मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप ड्रीम इलेवन से पैसे जीते और T20 वर्ल्ड कप में आपका हर सपना पूरा हो। का वर्सेस नमीनिया के बीच, तो यहाँ पर यह नमीनिया ने यह मुकाबला जीता। तो जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था कि यहाँ पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप ड्रीम इलेवन में यहाँ पर फर्स्ट रैंक लगा T20 वर्ल्ड कप में। तो मात्र हम 40 पॉइंटों से ही यहाँ पर चूके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी प्लेयर्स ने अच्छे पॉइंट दिए हैं। 112 पॉइंट, 52, 58, 60, 46, 37, यहाँ पर बहुत ही शानदार प्लेइंग बनी थी। तो यहाँ पर मात्र हम चूके हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन से। तो यहाँ पर यदि कैप्टन जी फ्ले लिंग होते और वाइस कैप्टन में यहाँ पर बी स्कॉट जी होते तो यहाँ पर शायद हमारे भी फर्स्ट रैंक लग सकती थी और आप सभी लोगों का पूरा सपना हो सकता था करोड़पति बनने का। चलिए, तो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारे मैचेस हैं वर्ल्ड कप के, तो हमसे जुड़े रहिए। और दोस्तों, हम आपसे बोलते हैं कि आपके लिए किसी भी मेंबरशिप के चक्कर में नहीं आना है और ना ही किसी से मेंबरशिप लेना है, ना ही अपने पैसे फालतू के खर्च करना है। हम आपके लिए यहाँ पर फ्री में सब कुछ बता रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो यह मुकाबला खेला जाना है T20 वर्ल्ड कप का अभ्यास मुकाबला मैच में आपके लिए अपनी प्लेइंग इलेवन कैसे बनाते हैं। यहाँ पर अभी जो पिच है उसका एवरेज स्कोर नहीं शो कर रहा है, यहाँ पर आया नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जॉस बटलर यहाँ पर अभी बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनका विनिंग्स और ड्रीम इलेवन रेट है वो है 91%। तो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान का 94%। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद रिजवान अभी T20 वर्ल्ड कप के नंबर 1 बैट्समैन हैं। तो यहाँ पर अभी रिजवान तो यहाँ पर फॉर्म में चल रहे, इसके बाद बाबर आजम भी फॉर्म में चल रहे हैं, इसके बाद ए हेल्स भी फॉर्म में चल रहे हैं। डी मलान के लिए यहाँ पर ए हेल्स के लिए छोड़ देते हैं और डी मलान के लिए शामिल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर अली फिर आजम यहाँ पर सभी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये सभी प्लेयर्स अभी फॉर्म में नहीं हैं। जो अभी फॉर्म में चल रहे हैं वही प्लेयर्स लेना, क्योंकि अभी इसके पहले एक एक के बाद एक T20 मुकाबले हो रहे थे इन्हीं टीमों के बीच। तो इसके बाद यहाँ पर बेन स्टोक अभी फॉर्म में है, इसके बाद मोहन अली नहीं एस खान के लिए यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। एस खान की जगह पर यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में है, और इसके बाद सैम करन भी अभी फॉर्म में है तो यहाँ पर सैम करन के लिए शामिल कर लेते हैं, या सैम करन की जगह डी बैली। तो यहाँ पर सैम करन ठीक है, और इसके बाद एस खान के नहीं, यहाँ पर एस खान के लिए शामिल कर लेते हैं। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, जॉस बटलर, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, डी मलान, जॉस बटलर। तो यहाँ पर एस खान और मोहम्मद नवाज, शहीन अफरीदी खेलते हैं तो शहीन अफरीदी के लिए शामिल कर लेना है, यदि नहीं खेलते हैं तो उन्हें छोड़कर यहाँ पर एज रफ के लिए शामिल कर लेना है, और यहाँ पर एन साई के लिए तो यहाँ पर इनमें से यहाँ पर मोहम्मद वासिम के लिए यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर शहीन अफरीदी यदि खेलते हैं तो शहीन अफरीदी के लिए ज़रूर शामिल कर लेना है, तो शायद इस मुकाबले में खेलेंगे क्योंकि वो फिट हैं पूरी तरीके से। तो शहीन अफरीदी और यहाँ पर मोहम्मद वासिम के लिए शामिल कर लेते हैं। यदि शहीन अफरीदी नहीं खेलते हैं दोस्तों तो आपके लिए एच रफ के लिए यहाँ पर शामिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं के बॉक्स के लिए यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि के बॉक्स ने पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार यहाँ पर बॉलिंग की थी। तो एक बार यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान के यहाँ पर 4 बॉलर्स यहाँ पर यूज किए हैं। तो यहाँ पर एक और प्लेयर चूज़ करना पड़ेगा इंग्लैंड का, तो यहाँ पर इंग्लैंड के लिए एक बैट्समैन चूज़ करते हैं, तो इंग्लैंड का एक बैट्समैन चूज़ कर लेते हैं एच ब्रुक के लिए। तो यहाँ पर प्लेयर तो चूज़ कर लिए, तो इसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ कर ले। तो कैप्टन में यहाँ पर मोहम्मद रिजवान और यहाँ पर वाइस कैप्टन में शहीन अफरीदी यदि खेलते हैं तो, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पर वापसी कर रहे हैं तो उन्हें इतना आसान नहीं होगा गेंदबाजी करना। तो यहाँ पर वाइस कैप्टन में यहाँ पर जॉस बटलर के लिए शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन हमने दोस्तों चूज़ कर लिए। तो यहाँ पर जो
पिछले मुकाबले में जो श्रीलंका और नामीबिया के बीच मुकाबला खेला गया टी20 वर्ल्ड कप का, उसमें मात्र हम 40 पॉइंट से चूके हैं और उसमें गलती क्या थी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन सही तरीके से चूस नहीं थे। यदि कैप्टन और वाइस कैप्टन सही तरीके से चूस होते तो यहाँ पर हम भी करोड़पति बन चुके होते और आप सभी भी बन चुके होते और आपका सपना पूरा हो चुका होता। चलिए तो आशा करते हैं कि इस मुकाबले में आपका यह सपना पूरा हो जाए। तो अभी बहुत सारे मुकाबले बाकी हैं, तो चलिए तो यहाँ पर सेव कर लेते हैं। कुछ चीज़ ध्यान देना है कि आपके लिए टॉस के बाद यहाँ पर प्लेयर्स चेंज कर लेना है यदि कोई ड्रॉप हो रहा है तो। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान है, मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि यदि बॉलर्स नहीं खेल रहा तो बॉलर्स ही आपके लिए शामिल करना है, यदि ऑलराउंडर नहीं खेल रहा तो ऑलराउंडर शामिल करना है। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।